बार बार काजोल देवगन को ड्रैग किया जा रहा है दिल जले 2 में। इस बार विलेन कौन होगा? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ आपकी आज की होस्ट पंखुरी। 1996 में रिलीज हुई दिल जले एक ऐसी मूवी है जो शायद ही किसी ने ना देखी हो, बल्कि 20s के किड्स को भी इस मूवी के बारे में अच्छे से जानकारी है और वो फैन है इस मूवी के। इस मूवी के लीड कास्ट अजय देवगन थे और उनके साथ सोनाली बेंद्रे जो कि उनकी गर्लफ्रेंड बनी थी मूवी में। इस मूवी के डायरेक्टर हैरी बवेजा थे और प्रोड्यूसर परमजीत बवेजा थे। आपको बता दें, इस 28 सितंबर को इस मूवी ने 25 साल पूरे कर लिए हैं और इस 25 सालों में दिल जले मूवी की डिमांड उतनी ही है जितनी की 25 साल पहले थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी और काफी सुपरहिट रही थी। आपको बता दें, इस मूवी ने 25 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर 182.5 मिलियन की कलेक्शन की थी, जो कि काफी ज्यादा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इस मूवी के कितने सारे फैंस हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए और फैंस की डिमांड पर डायरेक्टर हैरी बवेजा ने दिल जले 2 बनाने का फैसला लिया है। दिल जले मूवी के लीड रोल अजय देवगन थे और उनके ऑपोजिट फीमेल लीड सोनाली बेंद्रे थी जो कि उनकी गर्लफ्रेंड बनी थी। अजय देवगन श्याम का किरदार निभा रहे थे और सोनाली ने राधा का किरदार निभाया था। इस फिल्म की स्टोरी एक पेट्रियोटिक स्टोरी है। इस फिल्म में अजय देवगन यानी कि श्याम उनकी गर्लफ्रेंड राधा यानी कि सोनाली बेंद्रे से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन फिर श्याम को पता चलता है कि उसके पिता को मारने में राधिका के पिता का हाथ था। फिर लव स्टोरी एक रिवेंज स्टोरी में बदल जाती है और श्याम शाका बन जाता है। उसके बाद राधिका के पिता उसकी एंगेजमेंट आर्मी के मेजर से करवा देते हैं, जिसका किरदार परमीत सेठी ने निभाया था। और एंगेजमेंट के दिन शाका पहुंच जाता है एंगेजमेंट स्पॉट पर एक टेररिस्ट अटैक के साथ। इस फिल्म में शाका का बॉस दारा होता है, जो कि अमरीश पुरी जी ने प्ले किया था। और शबनम, जिसका किरदार मधु ने निभाया था, वो शाका के पीछे पागल हो जाती है और पूरी तरीके से उसके प्यार में पड़ जाती है। शबनम राधिका को मारने की भी कोशिश करती है, पर शाका राधिका को बचा लेता है। आखिर में पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ होते हुए भी शाका अपने देश का कर्ज नहीं भूलता और एक एक कर टेररिस्ट को मार देता है। इस फिल्म में अजय देवगन और सोनाली बेंद्रे ही नहीं थे, बल्कि मधु, अमरीश पुरी और बॉलीवुड के बैड बॉय गुलशन ग्रोवर भी थे। ये एक रोमांटिक, रिवेंज, एक्शन और ड्रामेटिक मूवी थी जिसे ऑडियंस का काफी ज्यादा प्यार मिला। अब देखने वाली बात यह है, दिल जले 2 कितनी होती है हिट और कौन है इसके लीड कैरेक्टर्स। तो चलिए बात करते हैं दिल जले 2 की। तो आपको बता दें कि दिल जले 2 मूवी की अनाउंसमेंट साल 2020 में ही हुई थी, जिससे फैंस काफी खुश हो गए थे। फिलहाल तक तो फिल्म का कोई पोस्टर रिलीज नहीं हुआ है और अब तक फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर ही काम चल रहा है। आशंका है फिल्म 2023 के एंड तक रिलीज हो सकती है। इस फिल्म के लीड कैरेक्टर्स को लेकर काफी खबरें आ रही हैं कि इस बार बॉलीवुड के अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी होंगे और अजय देवगन एक कैमियो में नजर आ सकते हैं। पर जैसे कि फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये बात फाइनलाइज नहीं हुई है कि कौन होंगे लीड कैरेक्टर्स। बात करते हैं लीड हीरोइन की, तो सोनाली बेंद्रे शायद ही हमें इस बार इस फिल्म में नजर आए। और खबरों की माने तो काजोल को इस फिल्म में लेने की बातें हो रही हैं, वो एज अ लीड एक्ट कर सकती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो हुई लीड एक्ट्रेस तो अजय देवगन तो जरूर होंगे। उसी के साथ उन्हें फीचर करेगी कोई और एक हीरोइन, और फीचर हीरोइन के लिए भी दो नाम सामने आ रहे हैं, जो कि है इलियाना डिक्रूज और रकुल प्रीत सिंह। ये दोनों ही बॉलीवुड की काफी नामचीन हीरोइनें हैं और वैसे भी कोई भी आए मूवी तो होने ही वाली है ब्लास्टिंग। इस फिल्म के सॉन्ग भी काफी ज्यादा फेमस हुए थे। खबरों की माने तो मूवी में सॉन्ग्स के रीमेक की आशंका है। वैसे तो फैंस रीमेक शायद ही पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फैंस पसंद करें अगर उदित नारायण खुद सॉन्ग को गाएं। साथ में इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग भी था, शाम है धुआं धुआं। ऐसे ही हमें एक आइटम सॉन्ग देखने मिल सकता है इस फिल्म में भी, और जिसमें रैप से भी लग सकते हैं चार चांद। अब देखने की बात यह होगी, क्या वही यंगनेस नजर आएगी एक्ट्रेस में जो 25 साल पहले थी, या फिर फीके पड़ जाएंगे एक्ट्रेस के किरदार 25 साल पहले के कंपैरिजन में। वैसे वो जवानी तो नहीं आ सकती, पर आज के जेनरेशन में VFX इफेक्ट्स और मेकअप से कुछ भी किया जा सकता है, बस बची बात एक्टिंग की। और गुलशन ग्रोवर जो हमारे बॉलीवुड के बैड बॉय हैं, वो तो हमेशा से पहले की जैसे ही बिल्कुल फ्रेश हैं ऑलरेडी विलन के एक्टिंग के लिए। लेकिन अभी तक उनका भी किरदार इस फिल्म में विलन का होगा या नहीं फाइनलाइज नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट मूवी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को
और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज की स्क्रिप्ट लिखी है रुचिता सिंह राजपुरोहित ने।